सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो दिस इज़ मी हिमांशी एंड मैं लेके आई हूँ एक नया DIY वीडियो। सो यहाँ पर मैंने ले लिया ये MDF बोर्ड एंड आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा कि किस चीज़ से रिलेटेड है। सो ये मैंने अपने गार्डन के लिए बनाया था वॉल हैंगिंग। सो मेरे पास क्ले नहीं थी तो मैंने यूज़ किया है MSeal, और MSeal भी क्ले की तरह ही यूज़ होती है, वो भी जल्दी से ही ड्राई हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो भी ड्राइंग्स की हुई है वहाँ पे जो भी हाइलाइटिंग पार्ट्स हैं उन सभी को MSeal की हेल्प से मैं हाईलाइट कर दूँगी एंड साथ ही मैं कुछ कुछ टेक्सचर भी दे दूँगी, जैसे कि ये प्लांट है तो प्लांट का कुछ टेक्सचर दे दूँगी। और वॉल हैंग करने के लिए यहाँ पे जो कैन होती है सॉफ्ट ड्रिंक, तो उसके ऊपर से मैंने ये निकाल के MSeal की हेल्प से उसको अच्छे से स्टिक कर दिया। सो अगेन यहाँ पर अगर आपके पास जेसो है तो आप जेसो भी अप्लाई कर सकते हो, और नहीं है तो वाइट एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने इसमें अभी वाइट एक्रेलिक कलर किया। तो जो हमारे हाईलाइट पार्ट थे ना वो सबको हम अच्छे से पेंट करेंगे, और बेस के लिए मैंने पेंट किया था येलो कलर, और ये रहा येलो कलर। और जो मैंने लड़की बनाई है ना, मैंने सोचा कुछ अपने जैसा ही कुछ बनाते हैं, तो जैसे मैं स्पेक्स लगाती हूँ तो मैंने स्पेक्स ज़्यादा बना लिए, लेकिन ये ज़्यादा क्यूट लग रही है इंस्टेड ऑफ मी। चलो ओके, मूविंग ऑन, जोक्स अपार्ट। तो एक्रेलिक कलर की हेल्प से हम ये सारे को अच्छे से पेंट कर लेंगे, और पेंट करने के बाद हमारे लास्ट में बचते हैं वार्निश। तो अगर आपके पास वार्निश है तो आप वार्निश अप्लाई कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप फेविकॉल को थोड़े से वाटर में मिक्स करके और इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, तो वो भी काम पूरा वार्निश का ही करेगा। अब चलते हैं दूसरे DIY की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ली है MSeal, क्योंकि अगेन मेरे पास क्ले नहीं थी तो इसलिए मैंने MSeal ली। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रिज के लिए मैग्नेट्स। तो यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें बना रही हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा पसंद में है। तो मेरे को अभी न्यूटेला कुछ ज़्यादा ही पसंद में आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा न्यूटेला का ही एक बॉक्स बना लिया जाए। और साथ में जैसे मैं यूट्यूब के लिए अपने वीडियोज़ बनाती हूँ तो साथ में उसका एक लोगो भी बना लेती हूँ, और साथ में मैंने सोचा कि एक पेंसिल भी बना लेते हैं। तो ये पेंसिल कम पेंट ब्रश को ज़्यादा लग रही थी, तो बट हम इसको पेंट करेंगे तो ये पेंसिल का ही लुक आएगा। और हम इनके ऊपर करने वाले हैं एक्रेलिक कलर, क्योंकि वही है एक ऑप्शन में लास्ट में बचता है। तो बेसिकली ये बहुत ही जो मेरे को फेवरेट है ना, मैंने वो बना लिया। तो ये तीन बना ली, तीन बनाने के बाद मैंने सोचा कि मेरे पास थोड़ी सी MSeal और बची है और एक मैग्नेट भी बची है, तो उसका भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो उस पर भी मैं एक और सेम यही फ्रिज मैग्नेट बनाऊँगी, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, मेरी फेवरेट है जो आजकल। ओके, तो यहाँ पे हमने पेंसिल बना लिया है, और जैसे कि मैंने इसके ऊपर जैसे अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मुझे ब्लैक एंड ब्लू में टेक्सचर चाहिए था। तो अब जो हमारा न्यूटेला और यूट्यूब का लोगो होगा वहाँ पे हम जैसे अप्लाई करेंगे, और जैसे अप्लाई करने के बाद ही हम पेंट करेंगे। Sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe in the magic, but fairy tales are lies. Mama always said, remember, do good, stay classy, forget the things that just don't. True to who you are, so love.
can be funny, I can be lovely, I can be what you dream of. But I've been patient and I'm sick of waiting. Maybe I just won't find love. Every time I think I'm at the right guy, then it turns into ashes. तो दोनों DIY अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा. सो वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.